अगर आपके शरीर में ये 5 लक्षण दिखाई दे तो जरूर डॉक्टर से बात करें, क्योंकि ये हो सकते हैं कैंसर के लक्षण। इस बात से मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि सूचित कर रहा हूं, क्योंकि आपके शरीर का ध्यान रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आपकी है। तो क्या है वो शुरुआती 5 लक्षण, जानते हैं इस वीडियो में। 1, वजन घटना। कैंसर वाले लोगों में वजन कम होना आम है। ये रोग का पहला दिखाई देने वाला लक्षण हो सकता है। cancer.net USA का कहना है कि 40% लोगों का कहना है कि जब उन्हें पहली बार कैंसर का पता चला था तो उनका वजन कम हो गया था। डॉक्टर कचेक्सिया नामक वजन घटाने के सिंड्रोम का उल्लेख करते हैं, जो कि बढ़े हुए मेटाबॉलिज्म, अस्थि मांसपेशियों की हानि, थकान, भूख की कमी और जीवन की क्वालिटी में कमी की विशेषता है। 2, अत्यधिक थकान। जॉन्स हॉपकिंस मेडिसिन की रिपोर्ट में कहा गया है कि छिपे हुए कैंसर के कारण होने वाली थकान उस तरह नहीं है जैसा आप दिन भर के काम या खेल के बाद महसूस करते हैं। अत्यधिक थकान जो आराम करने से ठीक नहीं होती है, वह कैंसर का प्रारंभिक संकेत हो सकता है। कैंसर रिसर्च UK नामक एक चैरिटी के अनुसार, सुबह उठना मुश्किल होना अक्सर थकान का एक स्पष्ट संकेत होता है। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप थके हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कैंसर है। थकान के बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से कई कैंसर से संबंधित नहीं होते हैं। यदि आपके लक्षण काफी गंभीर हैं, तो अपने डॉक्टर को बुलाएं। 1, बार बार आने वाला बुखार। बुखार सर्दी और फ्लू का एक सामान्य लक्षण हो सकता है और ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बुखार का कैंसर से संबंध है तो कुछ निश्चित संकेत हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। क्या बुखार बिना किसी स्पष्ट कारण के बार बार आता है, या क्या आपको ज्यादातर रात में बुखार आता है? आपके पास इन्फेक्शन के कोई अन्य लक्षण नहीं है तो बुखार का कारण क्या है? क्या आपको रात में पसीना आता है? यदि हाँ तो चेक कराइए। 4, शरीर में लगातार दर्द। WebMD के अनुसार कुछ प्रकार के कैंसर दर्द के साथ प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, हड्डी का कैंसर अक्सर शुरू से ही दर्द करता है। कुछ ब्रेन ट्यूमर के कारण सिर दर्द होता है जो कई दिनों तक रहता है और इलाज से ठीक नहीं होता है। दर्द कैंसर का देर से आने का संकेत भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है या यह ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर से मिलें। 5, त्वचा में परिवर्तन होना। हमारी त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। क्या आपके डॉक्टर ने आपके शरीर पर असामान्य या नए तिल, धब्बों, गांठों या निशानों को चेक किया है? पीलिया, आंखों या उंगलियों का पीला पड़ना एक ऐसा लक्षण है जो संभावित इन्फेक्शन या कैंसर का संकेत दे सकता है। तिल में बदलाव भी चिंता का कारण हो सकता है। धब्बे जो खून बहते हैं और दूर नहीं जाते हैं, वे भी स्किन कैंसर के लक्षण हैं। मुंह का कैंसर आपके मुंह में छाले के रूप में शुरू